स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे BSPCCL के जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अभी उसका फॉर्म डेट नहीं फिलअप स्टार्ट हुआ है, पर एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी भी आ गई है तो फॉर्म भी स्टार्ट होगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ और ये क्वेश्चन आपको ना बहुत मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप बुक में खोल लीजिएगा, बहुत ही कम मिलेगा। इसमें पावर सिस्टम का भी क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस में यूटिलाइजेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल अप्लियंसेस होते हैं जो कि मतलब आप घरेलू चीज़ों का उपयोग करते हैं उसका भी है। अर्थिंग एंड वायरिंग से है, जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं उसको मैं लेकर आया हूं। और काफ़ी अच्छे अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और PDF चाहिए तो आप पूरा देखिएगा, मैं बता दूंगा कहाँ पर कैसे PDF मिलेगा आपको। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखिएगा आपको स्क्रीन पर देखते रहिएगा और आपको PDF भी मिल जाएगा, आप PDF में भी देख सकते हैं। लेकिन पहले आप पूरा वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको पता लगेगा कहाँ PDF मिलता है। तो देखिए BSPCCL के लिए चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे मैं BSPCCL के बोल रहा हूँ क्योंकि BSPCCL का वैकेंसी आ रखा है, तो इसका एग्जामिनेशन होगा एक दो मंथ बाद, फॉर्म भराएगा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि 750 KV से 100,000 KV तक, यानी कि 1000 KV लाइन के लिए उपकरण के बीच न्यूनतम दूरी फीट में क्या होनी चाहिए। तो देखिए आपको फीट में बताना है। तो जो आप ध्यान रखिएगा, जो 50 KV के लिए होता है ना, वो 50 KV के लिए डिस्टेंस होता है वो 10 फीट के आसपास होता है, ठीक है, 10 फीट के आसपास होता है। तो इसी के हिसाब से ना आप बढ़ा सकते हैं अगर चाहते हैं तो, इसमें आप इसी के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन करके फाइंड कर सकते हैं। पर यहाँ पर 750 से 1000 पूछा गया, तो इसको आप ध्यान रखना है 45 फीट के आसपास होता है, मतलब 45 फीट के आसपास डिस्टेंस होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें से कि 50 KV के लिए 10 फीट का डिस्टेंस होता है, आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर ये डाटा एक चीज़ याद रखते हैं तो इससे आप मल्टीप्लाई करके यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर होगा लेकिन ऑप्शन आपको ऐसा दिख जाएगा जिसको आप समझ जाएंगे आसानी से। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अर्थ क्लियरनेस, कि अर्थ का जो क्लियरनेस है बेन लो एंड मीडियम वोल्टेज ओवर लैंड क्रॉस द रोड, कि कितना होना चाहिए अर्थ क्लियरनेस लो एंड मीडियम वोल्टेज ओवर लैंड के लिए। तो आप बहुत सारा जो डिस्टेंस पढ़ते हैं कि वर्टिकल कितना होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए, पर यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं लिखा गया, सीधे लिखा गया अर्थ क्लियरनेस कितना होना चाहिए बेन लो एंड मीडियम वोल्टेज ओवर लैंड क्रॉस द रोड। इसको पढ़ लेना है, क्रॉस कर रहा है रोड के लिए। तो आप इसको ध्यान रखिएगा 5.8 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6.1 भी होता है, पर मैं वह कहाँ होता है मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा, तो मैं उसके साथ बताऊंगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा 5.8 मीटर होता है। फिर आगे चलते हैं, आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका है, उस क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है अर्थ वायर शुड बी कनेक्टेड टू अर्थ एट एन इंटरवल ऑफ ए लीस्ट डैश पॉइंट इन डैश किलोमीटर। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा कि अर्थ वायर की जो कनेक्शन करते हैं एट इंटरवल कितना दूरी पर एट लीस्ट डैश पॉइंट इन डैश किलोमीटर, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में और काफ़ी मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप कन्फ्यूज ना हो, आपको मैं PDF देता हूँ तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को बार बार देख सकते हैं। तो ये क्या होता है कि 2 पॉइंट होता है 2 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट होता है 2 किलोमीटर के रेंज में। तो आप इसको ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट होता है 2 किलोमीटर के रेंज में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें 2 और 2 लिखा हुआ है कि 2 पॉइंट इन 2 किलोमीटर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। फिर चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई नियम के अनुसार एक उपपरिपथ में जुड़ी लाइट पंखों पॉइंटों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते थे, मैं आपके सामने ले आऊँ। तो आपको ध्यान रखना जो उपपरिपथ होता है ना सब सर्किट, उसमें मैक्सिमम 10 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, मैक्सिमम 10 होना चाहिए। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अर्थिंग के लिए उपयोग किया वाला पाइप इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई कितनी से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अर्थिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड का यूज होगा उसका जो न्यूनतम लंबाई है ना वो 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एवरेज लोड ओवर अ गिवन पीरियड, द मैक्सिमम डिमांड अकरिंग इन द पीरियड
कॉमनली टर्म एज। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो उसको पढ़ने से ही आधा आंसर आपका निकल जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में पहले बोला गया है कि रेशियो बताना है। रेशियो किसका किसका बताना है? एवरेज लोड, एवरेज लोड फॉर एवरेज लोड ओवर अ गिवन पीरियड टू द मैक्सिमम डिमांड अकॉर्डिंग द पीरियड। तो एवरेज लोड, ठीक है, अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड को हम एम डी से लिखते हैं। तो एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड किसका होता है? तो आप सब पावर सिस्टम पढ़ते हैं, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड क्या होता है? लोड फैक्टर का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संट कैपेसिटेंस इज निगलेक्टेड वाइल कंसिडरिंग, कि संट कैपेसिटेंस किस में निगलेक्ट कर देते हैं और उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप दो तीन तरह के लाइन पढ़ते हैं, एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है, एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है, और एक हमारे पास लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है। तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम संट कैपेसिटेंस को क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें हम संट कैपेसिटेंस को क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है ना उसमें क्या करते हैं? हम संट कैपेसिटेंस को निगलेक्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 1 इसका सही हो जाएगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। आपको ध्यान रखना है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, ए नेगेटिव सीक्वेंस रिले कॉमनली यूज टू प्रोटेक्ट, कि नेगेटिव सीक्वेंस रिले किसके प्रोटेक्ट में होता है? तो जो नेगेटिव सीक्वेंस रिले होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? तो आपको ध्यान रखना है, जो नेगेटिव सीक्वेंस रिले होता है ना वो मेनली अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए आता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, एन अल्टरनेटर के, जो नेगेटिव सीक्वेंस रिले है वो अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए आता है। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैब टायर सीटेड केबल, CTS जिसको बोलते हैं, CTS कैब टायर सीटेड केबल, जिसको कि आप CTS बोलते हैं, ठीक है, को डैश के रूप में भी जाना आता है। तो आप एक दो तरह के पढ़ते हैं, तो CTS पढ़ते हैं या TRS पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो और TRS के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, TRS केबल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मोस्ट कॉमनली यूज रिले फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेट अगेंस्ट लॉस ऑफ एक्साइटेशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भी क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, लॉस ऑफ एक्साइटेशन के लिए कौन सा रिले जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, लॉस ऑफ एक्साइटेशन के लिए कौन सा रिले है? ऑफसेट मोह रिले है, ऑफसेट मोह रिले होता है जो लॉस ऑफ एक्साइटेशन के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अर्थ प्रतिरोध डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो अर्थ प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, इवन 80% बच्चे इसमें गलत करके आते हैं। आप सोचिए गलत कैसे कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता सही कंसेप्ट क्या है इसका। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे आपको इसको ध्यान रखना है। तो जो बहुसंपर्क होता है ना, जिसको अर्थ प्रतिरोध इस पर निर्भर करते थे, मिट्टी नमक पर करता ही है, लोहे के अंश पर भी करता है, हाँ जी, मिट्टी की प्रकृति पर भी करता है, क्या है सैंडी एरिया है, क्या है मॉइस्चर एरिया है, न्यूट्रल जो होता है ना अर्थ, इस पर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर क्या करता है? 1 इसका सही है, क्योंकि ये हम बाहर से करते हैं, ठीक है, ये अर्थिंग का प्रोसेस अलग है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 10 kV अल्टरनेटर है, ठीक है, 10 kW का अल्टरनेटर है, 10 kW का अल्टरनेटर है, और वो प्रारंभ में जो 0.5 पावर फैक्टर के लैग पावर फैक्टर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, यदि शक्ति गुणांक को बढ़ाकर, मतलब पावर फैक्टर को बढ़ाकर 0.866 कर दिया जाता है, तो KVR का मान कितना बढ़ जाएगा? तो देखिए एक फार्मूला पढ़ते हैं आप, tan θ2 - P होता है, इसके बाद एक होता है tan θ1 - tan θ2 करके एक फार्मूला पढ़ते हैं आप, ठीक है। तो इस फार्मूले को ऊपर आप बैठाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, P का मान कितना दिया गया है, तो इस फार्मूले को हम यहाँ से रिरेज कर देते हैं और आपको बताते हैं कैसे आंसर आएगा, ठीक है। तो P का मान कितना दिया गया है, तो P का मान देखिए यहाँ पर 10 दिया गया है, तो P का मान हम 10 ले लेंगे। उसके बाद tan θ कितना दिया गया है, तो देखिए 0.866 है और 0.5 है, तो आप 0.866 और 0.5 को कैसे याद रखेंगे? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप याद रखेंगे। तो आप 0.5 देखिए, क्योंकि 0.5 तो बहुत आसान है आपको याद रखना। कैसे देखिए, 0.5 आप मिलाइए उसमें कितना होता है, किस में, टेन में, तो टेन में कितना होता है, 60 होता है 0.5, ध्यान रखिएगा 0.5 60 होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 60 या क्या होता है, √3 होता है,
ठीक है, रूट थ्री यहाँ पर लिख देते हैं हम, रूट थ्री होता है। और 0.866 कितना होता है, 30 होता है, आपको ध्यान रखना है 0.866 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो 30 का कितना होता है, 30 आप याद करके बताइए कितना होता है, 10 30 का, 10 30 कितना होता है आप लोग सोचिएगा, तो 1/√3 होता है। और 45 का कितना होता है वो भी आपको बताना है, तो 45 का भी आप याद कीजिए कितना होता है, 45 का कितना होता है, ओनली 1 होता है, तो 30 का 1/√3 आ गया। अभी सम वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो देखिए कैसे पुट होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछा जाता है, BSPCCL में पूछा जाएगा और पूछा भी गया है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 1 माइनस, पहले हमारे पास क्या आया है, पहले हमारे पास आया है √3 आया है, √3 - 1/√3 आया है, ठीक है, √3 - 1/√3 आया है, ठीक है। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो गया, ठीक है, 3 - 1/√3 हो जाएगा, ठीक है, 2/√3 हो जाएगा। जब इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/√3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, इसमें कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है, मैंने एक डिनोमिनेटर ले लिया क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था, तो ठीक है, तो 20/3 हो गया। और 20/3 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20/3 को डिवाइड करेंगे तो 1.732 होता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आप आ जाएगा 11.55 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 11.4547 के भी है, ठीक है। देखिए कितना आसान था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बट बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ फिर से एक बार। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फार्मूला याद रखना है कि P tan θ1 - tan θ2 होता है, 0.5 का √3 कर देना है, उसके बाद 0.86 का 1/√3 कर देना है, तो 10 × √3 - 1/√3। अब देखिए यहाँ से 3 3 हो गया, 3 - 1 2/3 हो गया, तो यहाँ से 20/√3 हो गया, और 20/√3 को करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर डायरेक्ट यही आ जाएगा, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही हो गया। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, आए क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखिए विद्युतीय संस्थान में यदि केवल पंखे के लिए एक अलग परिपथ स्थापित किया जाता है तो उस परिपथ में पंखों की संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो जितनी हमारी लाइट बल्ब की होती है ना उतना ही पंखे की होती है। तो आपको लाइट बल्ब के लिए मैंने बताया था 10 होता है, तो पंखे के लिए भी कितनी होगी, पंखे के लिए भी 10 ही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। फिर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है, द डिस्टेंस रिले आर यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फेज फॉल्ट इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो देखिए आपको मैं मीडियम लॉन्ग और शॉर्ट के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा, एक रिया वर्ड होता है, रिया RIA, तो रिएक्टेंस रिले, एडमिटेंस रिले और एडमिटेंस रिले, तो ये क्या होता है, तीनों होता है, एक तो रिएक्टेंस रिले होता है शॉर्ट के लिए होता है, इम्पीडेंस मीडियम के लिए होता है और एडमिटेंस लॉन्ग के लिए होता है, तो ये क्या हो जाता है, रिया नाम से होता है, एडमिटेंस रिएक्टेंस और इम्पीडेंस का हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मीडियम के लिए पूछा है तो मीडियम के लिए क्या है, तो मीडियम के लिए इम्पीडेंस है, तो इम्पीडेंस रिले बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बड़े बिजली घर के लिए उपयोग किए जाने वाले अर्थ प्रतिरोध का आइडियल मान कितना होता है। बहुत सारे बच्चे ना 5 टिक करके आ जाते हैं, भाई 5 गलत है, आइडियल पूछा है, आइडियल मतलब मिनिमम पूछा है, मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम कितना होना चाहिए, तो 0.5 भी इसमें दिख रहा है, तो 0.5 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, 0.5 इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो आई रूल है 28 के अनुसार मध्य वोल्टेज कितना होता है, तो मीडियम वोल्टेज कितना होता है, मीडियम वोल्टेज शॉर्ट वोल्टेज आप सब जानते हैं, तो मीडियम वोल्टेज कितना होता है, तो मीडियम वोल्टेज होता है 650 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 650 से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान रखना है आपको। तो कौन सा है 650, ऑप्शन देखिए पहले गलत है, 650 देखिए 650 वाला एक ही दिख जाएगा, वोल्टेज जो सामान्य परिस्थिति में 650 से अधिक नहीं होती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन हमारे पास देखिए, तो आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन होंगे, तो इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा बता दो, PDF मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम में जाइएगा, वहाँ पे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम में हर वीडियो के जितना भी वीडियो में डालता हूँ उसका वीडियो PDF वहाँ पर डाल जाता है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो, और वीडियो डालने के कुछ देर बाद मैं PDF डाल देता हूँ, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरा एक जो मोटिवेशन होता है वो मिल सके, और बाकी आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।